बाबा साहब अमर रहे। कि पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया। आज हम माइक पे खड़े होके बोल रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है। आज हम कुर्ता पैजामा पहन के चल रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है। आज हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हम शिक्षा हासिल कर रहे हैं, हम सिपाही दरोगा बाबू चपरासी तहसीलदार डीएम एसडीएम कमिश्नर, अगर पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग बन रहे हैं, ये किसी देवी देवता की देन नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की देन है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब इस देश में छुआछूत ऊंचे नीचे नफरत चरम पे था, कोई कुएं पे नहीं चढ़ पाता था, चारपाई पे नहीं बैठ पाता था, इंसान को कुत्ते से भी बदतर जीवन जीने का अवसर देश के बेईमान लोगों ने पैदा किया था, उस समय पैदा हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस सारी व्यवस्था को समाप्त करके एक संविधान ऐसा बना के दिया कि ना कोई ऊंच होगा ना कोई नीच होगा, ऐसा संविधान दिया बाबा साहब। उस समय को आप सोचो, एक अकेला आदमी जिसको विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया जाता था, नल पे टोटी खोल के पानी पीने का अधिकार नहीं था, ऐसा महामानव हमारे याद के बीच में पैदा हुए, एक बहुत बड़ा हथियार हमको आपको दिया उन्होंने। बहुत से लोग आज देश की राजनीति में छुआछूत ऊंच नीच नफरत की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब पावर दिया तो चाहे टाटा बिरला डालमिया हिंडालको हो, चाहे भंगी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको वोट देने का अधिकार बराबर का दिया। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी ऊंच नीच नफरत नहीं सोचा और इस उद्देश्य से दिया। ये सोए हुए लोग, जो जातियों में बटे हुए लोग, जिस दिन इस अपने पावर का सही उपयोग कर लेंगे, उस दिन बाबा साहब ने जो बात कहा है, कहीं भी आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्ति देखेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी इशारा करते हैं। कहां इशारा करते हैं? दिल्ली की पार्लियामेंट पे कब्जा करो, लखनऊ की विधानसभा पे कब्जा करो, ये इशारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बराबर जहां भी आप देखेंगे वहां इनका इशारा है। ये आप कैप्चर करो, जहां से दरोगा बनता है, जहां से आज के तारीख में एसपी बनता है, जहां से आज के तारीख में सिपाही की नियुक्ति होती है, उस पावर को अपने हाथ में लेने का काम करो, तब तुम्हारा भला होगा। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस उद्देश्य से हमको आपको वोट देने का पावर दिया, हमारे कुछ साथी इस वोट के महत्व को नहीं समझ पा रहे। कोई दारू पे वोट बेच रहा है, कोई पैसे पे बेच रहा है, कोई साड़ी पे बेच रहा है, क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी नाते आपको वोट का अधिकार दिया है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वोट का अधिकार नहीं देते तो आज कोई आपको दारू पिलाने नहीं आता, कोई आपको पैसा देने नहीं आता, कोई आपको धोती बांटने नहीं आता। धन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने हमको आपको वोट का अधिकार दिया। ये वोट वो पावर है, इसी वोट के बल पे देश की सत्ता अपने हाथ में ली जा सकती है और इसी वोट के बल पे देश की सत्ता को भी जमीन में दफनाया जा सकता है। ये पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको आपको दिया। लेकिन आज बहुत से हमारे पिछड़े समाज के लोग उंगली उठाते हैं, जो ना समझ लोग हैं कि बाबा साहब ने क्या दिया। अरे पिछड़े समाज के लोगों, आज तेरी अगर पूछ हो रही है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर तुझे वोट का अधिकार नहीं दिया होता तो तेरी पूछ कहीं नहीं होती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था नहीं दिया होता तो आज 27% आरक्षण जो लागू हुआ तेरे लिए, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, किसी देवी देवता भगवान की देन नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कुछ साथी कहते हैं, हम उन साथियों से कहता हूं, पढ़ो, देखो रामायण पढ़ोगे तो पत्नी पे शक करोगे,
महाभारत देखोगे तो भाई भाई में द्वंद्व होगा, और संविधान पढ़ोगे तो डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनके निकलोगे। ये महान ग्रंथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, लेकिन आज तमाम सीरियल बने, महाभारत रामायण तमाम सीरियल, लेकिन जो असली ग्रंथ है उसके विषय में हमको आपको जानकारी नहीं दी जा रही। हम तो मन बनाए, हम तो बार बार कहते हैं कि जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का ग्रंथ हमको विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा हमारे बच्चों को, तब तक हम संविधान के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। साथी ये हम लोग चाहते हैं, लेकिन देश की सरकार बड़ी विडंबना, जिस संविधान से हमको अधिकार मिलना है उस संविधान को हम नहीं मानते। टीवी पर चलेगा रामायण हम देखेंगे, टीवी पर चलेगा धारावाहिक हम देखेंगे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान पे कब धारावाहिक बनेगा, इसको हम कब देखेंगे, कब हमारे बच्चे देखेंगे, कब हम इसके विषय में समझेंगे। और हमारे तमाम साथी कहते हैं इस देश में पहले ये कृषि प्रधान देश था, आज जाति प्रधान देश है। सबसे ज्यादा संविधान अगर कोई मानता है इस देश में ब्राह्मण मानता है। आप उठा के देखो पूरे देश में संविधान के बदौलत 263 कलेक्टर बन गया। अरे पिछड़े समाज के लोग अभी करताल हारमोनिया बजा रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है वो क्यों जा रहा है, वो संविधान को मान रहा है। आप क्या कर रहे हो, अभी हर कीर्तन कर रहे हैं, आप लेके कंठी माला जप रहे हो, जपो। आज इसी जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है कि ओम प्रकाश राजभर भी आपके बीच में एमएलए बनकर के आया है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन, वो पावर हमको आपको नहीं दिया होता, वो व्यवस्था नहीं दिया होता तो हम भी एमएलए नहीं बन पाते, हम भी कहीं खेत में ट्रैक्टर पर मटियर लाते, नहीं कहीं थ्रेसर में गेहूं लगाते नजर आते। लेकिन धन है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने वो पावर दिया, वो व्यवस्था दिया। इस व्यवस्था में आप चाहो इंजीनियर बन जाओ, आप चाहो तो डॉक्टर बन जाओ, आप चाहो तो आईएएस बन जाओ, आप चाहो तो आईपीएस बन जाओ, आप चाहो तो पीसीएस बन जाओ। संविधान जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है, जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है, जो नहीं पी पाता है वो जानवर की तरह दर दर ठोकर खाता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। गौतम बुद्ध जी को अगर देखिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़िए, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़िए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए, तो बुद्ध जी ने भी कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। वही बात तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। और हम क्या कह रहे हैं, यहां तो सब में लड़ रहे हैं, ये लड़ाई बंद करो। लखनऊ दिल्ली की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती तब सफल होगी जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग निकल पड़ेंगे, तब ये जयंती मनाने का कार्यक्रम सफल होगा साथियों। नहीं तो इसी तरह हम मानते रहे, मनाते रहे, मानने के लिए तैयार ना हो तो इस देश में जो परिस्थिति पैदा हो रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार पे कुठाराघात हो रहा है, उस अधिकार पे हमारा अधिकार हनन हो रहा है। बड़ी मेहनत करके 1932 में जब देश आजाद नहीं हुआ था तब उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिलाया। आज तमाम पार्टी के लोग कहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई हो, हमने दिया। अरे पढ़ लो, ओम प्रकाश राजभर ऐसे नहीं बोलता है। आजादी के पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों से लड़ करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिला दिया। वहीं जब पिछड़े समाज को आरक्षण दिलाने की बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन विदेश से लाया, इंग्लैंड से, ये हमारे यादव जी, पटेल जी, चौहान जी, राजभर जी, बिंद जी, केवड़ जी, मल्ला जी, प्रजापति जी, पाल जी, लोहार जी, बिंद जी, ये लोग छत्री बनने लगे। ऊंचा बनो अभियान, ये आप जा रहे हो चमार बनने, अंबेडकर जी तो चमार बना रहे हैं, तुम तो छत्री हो। छत्री बनते बनते यहां तक चले आए
ये बात उनसे पूछो कि कौन छत्री हो, तो वो बता भी नहीं पाते कि कौन सा छत्री हम हैं। तो हम तो पिछड़े समाज से बहुत दुखी रहते हैं भाई। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पावर दिया है, जो संविधान बना के दिया है, इस संविधान पे खतरा नजर आ रहा है। देश में बैठी हुई सरकार संविधान को खत्म करने का मन बना चुका है। हमारा आपका आरक्षण खत्म कर रही है और हम सोए हुए बैठे हैं। इस नाते साथियों, मैं आपसे कहूंगा कि अपना आरक्षण बचाना है, अपना संविधान बचाना है। और बाबा साहब डॉक्टर ने बड़ी अथक परिश्रम, 11 महीना, 3 साल 11 महीना 18 दिन बड़ी मेहनत किया था बाबा साहब, 2 साल 11 महीना 18 दिन बड़ी मेहनत किया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, तब जाकर के उन्होंने हमको आपको संविधान दिया। लेकिन आज जब संविधान की बात आती है तो लोग संविधान को साथी हमारे मजाक उड़ाते हैं। घबराओ नहीं, ये वो महापुरुष हैं। मैंने तो देखा हूं कि आज उस सामंती विचारधारा के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति क्यों तोड़ते हैं। वो जानते हैं कि यही व्यक्ति है जीते जी भी हमको चैन से नहीं सोने दिया। आज भी जब रात को सपना देखते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर याद आते हैं। इस नाते ऐसे शरारती तत्व जगह जगह बार बार सुनने को मिलता है कि मूर्ति तोड़ी जा रही, क्यों तोड़ते हो, क्या किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सोए हुए लोग थे उनको जगा करके उनको अधिकार दे दिया कि तुम अपने अधिकार के लड़ो, तुम भी इस देश के नागरिक हो, तुम्हें भी वही अधिकार है। तो एक टाटा बिरला को है जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को है, वही पावर एक भांगी के भी बेटा को है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दे दिया। इस नाते कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, तो बुरा लगे तो लगे, हम तो 2 लाइन पे दोहा भी बना लिए कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंजरा चाहे खुशी रात तू अपने घरे, हम अपने घरे। तो साथी हम तो बोलते हैं तो वैसा ही बोलते रहते हैं। हम इस कमेटी को धन्यवाद देता हूं और अपने आयोजक साथियों को धन्यवाद देता हूं, अपने गायक साथी धन्यवाद देता हूं और